नंबर दो में सैलों की जोड़ी क्रम संख्या 55 वाले पशुपालक अपने पशुओं को लगा लें, चीन की प्रतियोगिता शुरू होगी। रिंग नंबर कृपया ध्यान दें, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। रिंग नंबर दो में बैलों की जोड़ी क्रम संख्या 55 वाले पशुपालक अपने पशुओं को लगा लें। इसके अलावा रिंग नंबर एक के लिए जो पानी से और कचरे से तैयार होता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। जो कोयले से तैयार होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन। मैं आपको बताकर जा रहा हूं, आपके फायदे की बात मेरी बात शांति से सुनना, तुम्हारा भविष्य इसमें ही है। एक कुएं में यहां पानी ही पानी है। मैं आज रोड पे आ रहा था, खेत देख रहा था, भाग्यवान मेरे खेत में 3 कुएं हैं, 7.5 हॉर्स पावर के 3 सोलर पंप लगाए मैंने और 450 फीट नीचे पानी है। हम पानी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अभी 4 डिलीट मिली, 6 डिलीट मिली डॉक्टरेट, उसमें से 4 डिलीट जो एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली। अभी मैं आपके यहां मोदी नगर में आया था, वो तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी। फिर उसके बाद अभी 15 दिन पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आया था नोएडा में, तो मैंने हमने हमारे यहाँ पानी के लिए हम काम करते हैं। क्या कहते हैं, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मैं बड़े बड़े रोड बना रहा हूं, मैंने अभी एक यूनिवर्सिटी में 36 तालाब बना दिए क्योंकि पानी नहीं हमारे, और नदी नालों का खोलीकरण कर रहे, तालाब की मिट्टी निकाल रहे। अभी मैंने मंत्री जी को कहा, जतिन जी को, कि वो नदी देखी, मैंने बोला मुझे परमिशन दो, फुकट में ड्रेसिंग कर लेता हूं। अभी दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के, मैंने दिल्ली का रिंग रोड बना रहा हूं। 20 लाख टन कचरा मैंने रोड में डाल दिया और मैंने कहा 2 साल के अंदर ये पूरी टेकड़िया समाप्त कर देंगे, इसका वचन है। जनमेजय ने विरोध किया कि भारत सरकार में कभी इस तरह का आयोजन नहीं हुआ। इससे पहले पंजाब और हरियाणा सरकारें इस तरह का आयोजन करती थी, भारत सरकार की तरफ से पहली बार इस तरह का आयोजन है। और मेरा प्रयास रहा है कि आयोजन इस तरह का हो कि जो अतिथि हमारे भारत से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, राजस्थान से और पूरे उत्तर प्रदेश से, वो कम से कम इस मेले की अच्छी यादें हमारे बीच से लेके जाए। मुझे पंडित का एक बारे में बहुत बड़ा
कि आपके सरकार ने हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आज भी हमारे यहाँ रूपाला जी ऐसी स्थिति है कि अगर गाँव में हजार दो हजार लोग पीछे आ जाए या हमारे यहाँ कोई पंचायत की रैली हो तो पूरा जनपद मिलकर खाना सबको खिला देता। हमारे यहाँ इस तरह की हमेशा से परंपरा रही है। 150 इस साल में भी करीब अलग अलग एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री फिशरी डेयरी के संदर्भ में करीब 150 स्टॉल लगाए जिनमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस देश में खेती के लिए पशुपालन के लिए फिशरी के लिए उससे जुड़े हुए अलग अलग कंपनियों के लोग यहाँ आए हैं। और मुझे लगता है इस देश में चाहे भैंस के लिए मुर्रा हो हरियाणा से है गिर साहिवाल थारपारकर हरियाणा भेड़ बकरी घोड़े सबका अलग अलग कैटेगरी बनी है। जो भैंस एनिमल हमारे शो का उसे 5 लाख रुपए इनाम है और जो हर ब्रीड के अलग अलग चैंपियन है वो हर ब्रीड के चैंपियन के लिए 2.5 लाख रुपए इनाम दिए जाए। पशु मेले से किसानों की अभिरुचि जागृत हुई है, पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ा है। अभी तक तो ये था कि पशु क्यों पालें और कैसे पालें, यहाँ पशु को कैसे खिलाया जा रहा है यहाँ देख रहे हैं लोग, पशु को कैसे रखा जाता है ये भी देखने का काम हो रहा है और पशु किस स्तर का है ये भी देखने का काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए, ये मेले पशु मेले लाभदायक होंगे और किसान की आय में दोगुनी वृद्धि होगी।